Location produced by lens. So when we place an object in front of lens, then sometimes we get larger image than object, and sometimes we get smaller. So now if we place an object of height 2 cm, this is height of object, and we get in any case we get this is 6 cm height of image, then what we will say that height of image is increased 3 times than height of object. कि हाइट जो है इमेज की वो 3 times इंक्रीज हो गई, किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से. तो इसको हम बोलते हैं 3 times इंक्रीज. किससे किससे कंपेरिजन हमेशा करेंगे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से. सो दिस 3 इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, कि कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया. दूसरे केस में अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 6 cm है और हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे? डिक्रीज हो गया. कितने टाइम्स? 3 times, या फिर 1/3 times हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो ये जो 3 है, 1/3, इसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं. हमारा एक कैलकुलेशन होता है जिसमें हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इमेज की जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से कितनी गुना रह गई है. तो इसमें हम बोलेंगे 3 times हो गई, इसमें बोलेंगे 1/3 times हो गई. सो सिंपली वी राइट मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. 6/2 is 3 एंड 2/6 is 1/3. ओके, तो जब भी हम मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ लेट अस कंसीडर एनी लेंस, कनकेव और कन्वेक्स. लेट अस ड्रॉ, दिस इज फोकस एंड ऑब्जेक्ट इज हियर. दिस इज सपोज F1, दिस इज F2, ऑब्जेक्ट इज हियर. देन वी नो व्हेन light is parallel to principal axis, then it goes through focus. Okay, this is so, and when this is passed through optical center, it goes without deviation. So this is AB. Position of object is U, position of image is V, height of object is HO, height of image is HI. Okay, and this is focal length, suppose F. Then in this diagram, we see that ABO, triangle ABO, and triangle A dash B dash O, ABO and triangle A dash B dash O, these are similar triangle. So, और सिमिलर ट्रायंगल, और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो हम साइड अपॉन साइड लिख सकते हैं. ओके, सो वी राइट a dash b dash upon a b इज इक्वल टू a dash o upon a o. अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ए बी के टर्म में हमने लिखा, जब एच के टर्म में लिखेंगे तो साइन को चेंज कर लेंगे. तो ए बी डैश इज एच आई, लेकिन ये डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं, डाउनवर्ड. ओके, ए बी इज प्लस एंड ए डैश ओ इज पॉजिटिव एंड ए ओ इज निगेटिव. सो दिस इज इधर माइनस माइनस, इधर माइनस है, इधर माइनस है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ओके, तो ये होता है मैग्निफिकेशन. तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का फार्मूला यू और वी के भी टर्म में मिल गया. मैग्निफिकेशन एक तो हमने सिंपली डिफाइन किया हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज अपन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फार्मूला फॉर लेंस. ओके, सो नाउ पावर ऑफ लेंस. Power of lens. Suppose this is lens L1. Okay, I think power of lens. So let us consider this is a lens L1. This is L2,
इज ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ इज दिस. This is optical center and focal length is this. In both lenses we see and focal length is less and focal length is more. So, इसके बाद हम एक डायग्राम समझते हैं कि जब भी पैरेलल लाइट रे आती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से आते हैं. तो दोनों के लिए हम वैसे लाइट रे ड्रा कर सकते हैं. ये लाइट रे पैरेलल आई, ये लाइट रे पैरेलल आई, तो ये फोकस से जाएगी. ओके, ये भी फोकस से जाएगी. तो इसमें हम एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों में जो लाइट रे हैं उनका डेविएशन तो हो रहा है, लेकिन इसमें डेविएशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें डेविएशन कम हो रहा है. और इसको देख करके हम ये समझ पाएंगे कि फोकल लेंथ जितना कम होगा किसी लेंस का उतना ही डेविएशन ज़्यादा हो. अगर लेंस को हम ऐसे बनाते हैं कि उसका फोकस यहाँ पर है तो ये डेविएशन ऐसे हो जाएगा. क्लियर? तो ये जो डेविएशन है किसके वजह से हो रहा है, तो उसका आंसर है कि लेंस के वजह से हो रहा है. लाइट ऐसे आ रही थी, बीच में लेंस पड़ा, इन्हें डेविएट कर दिया. तो एक वर्ड हम ये समझेंगे कि लेंस के पास एक एबिलिटी होती है कि वो लाइट रे को डिविएट कर देता है. दिस एबिलिटी इज नोन एज पावर ऑफ लेंस. पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी टू डाइवर्ज आर कन्वर्ज द लाइट ऑफ रे व्हेन इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो ये तो हमने समझ लिया कि इनके पास जो एबिलिटी होगी उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो पावर ऑफ लेंस है. अब ये पावर ऑफ लेंस को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो पावर ऑफ लेंस को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा है, फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम है. मतलब फोकल लेंथ ज़्यादा हो गया तो डेविएशन तो हो रहा है, इससे कम हो रहा है. तो जितना कम फोकल लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा डेविएशन होगा, और हम बोलेंगे उतनी ही ज़्यादा उसके पास एबिलिटी है और उतना ही ज़्यादा उसका पावर है. इट मीन्स फॉर स्मॉल फोकल लेंथ डेविएशन इज मोर, एबिलिटी इज मोर, पावर ऑफ लेंस इज मोर. फॉर लार्ज फोकल लेंथ एबिलिटी इज लेस, पावर इज लेस. So we can write P, power of lens, is proportional to 1 by F. जितना ज़्यादा F की वैल्यू करिए उतना ज़्यादा पावर आएगा. क्लियर? और अगर F की वैल्यू ज़्यादा करते हैं तो पावर कम आएगा. और मैथमेटिकली आपको देख रहा है इस रिलेशन में, तो हम हमेशा लिखते हैं P is proportional to F, क्योंकि F की वैल्यू कम करिए पावर ज़्यादा होता है. ओके, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लिखते हैं, पावर इज K इंटू 1 बाई एफ. अच्छा, अब फिजिक्स में जब भी हम कोई नई क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसके लिए हम इस कॉन्स्टेंट को 1 बना लेते हैं. तो पावर हमारे लिए नई क्वांटिटी है, इससे पहले हमने नहीं पढ़ा. 9th क्लास में पावर पढ़ा, लेकिन वो दूसरा पावर था, पावर ऑफ लेंस नहीं था. पावर ऑफ लेंस हमारे लिए नई क्वांटिटी है. तो अगर ये न्यू क्वांटिटी है तो हमेशा के लिए याद रखिए, जब भी न्यू क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे इसको 1 बना लेंगे. इसको 1 हम कैसे बना सकते हैं, तो पावर को हम डिफाइन कर लेंगे कि 1 यूनिट पावर कितने को बोलते हैं. तो हमने डिफाइन कर लिया कि अगर फोकल लेंथ 1 मीटर होता है तो इसका पावर भी 1 यूनिट होता है. ओके, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, देन इट्स पावर इज 1 यूनिट. ओके, तो अगर हम F1 लिख लेते हैं, P1 लिख लेते हैं, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1. यहाँ से लिखते हैं P इज 1, K 1 बाई 1, देन K इज इक्वल टू 1. और K की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ. तो हमने ये याद कर लिया, P इज इक्वल टू 1 बाई एफ. सो अब ये फोकल लेंथ हम SI यूनिट में लिखना चाहते हैं, मीटर हमने लिख लिया, तो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ पावर इज 1 अपॉन मीटर, दैट इज मीटर इनवर्स. ओके, पर मीटर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डायोप्टर, इसको हम डी से डिनोट करेंगे. पावर ऑफ लेंस इज डी. ओके, सो अब ये फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में होगा तो पावर भी सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, और इस तरीके से हम समझ लेंगे. ओके, इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है. कनकेव लेंस, इसका जो फोकल लेंथ होता है निगेटिव होता है. क्लियर? तो जब हम इसका पावर कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन एफ करेंगे, प्लस में लिखेंगे, तो पावर भी पॉजिटिव आएगा. सो वी राइट पी इज पॉजिटिव. इसमें जब हम 1 बाई एफ करेंगे, माइनस वैल्यू रखेंगे, तो ये क्या आएगा, निगेटिव आएगा. तो अगर पावर लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि लेंस का नेचर क्या है,
तुरंत बता लेंगे कि वो कन्वर्जिंग लेंस है कन्वेक्स लेंस है। अगर पावर लिखा हुआ है माइनस में लिखा हुआ है तो हम तुरंत बता लेंगे कि वो डाइवर्जिंग लेंस है कनकेव लेंस है। ओके, तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, इसके बाद हम समझ लेते हैं पावर ऑफ द कम्बिनेशन ऑफ लेंस, कि अगर ऐसे लेंस है इसमें ऐसे लेंस कंबाइंड है बहुत ढेर सारे और उसके लिए हमें पावर कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम जो इंडिविजुअल पावर्स होते हैं, इनके पास पावर P1 है, इसके पास P2 है, इसके पास P3 है, तो जब हम बोलेंगे कि लाइट रे इधर आएगी तो कितना डेविएट करेगी या फिर जो रिजल्टेंट पावर होगा पूरे कॉम्बिनेशन का वो क्या होगा, तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं P=P1+P2+P3। सभी के पावर को हम ऐड कर लेते हैं तो क्या लिख लेंगे, P=, दिस इज 1/F1+1/F2+1/F3। दिस इज द फार्मूला फॉर पावर ऑन द कम्बिनेशन ऑफ लेंस। बहुत ढेर सारे लेंस होंगे तो उनके लिए हम ये फार्मूला पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।